लक्ष्मण जी जयपुर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, जी बताइए। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरे कफ और खांसी और गले में खराश रहता है और एसिडिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, अच्छा देखिए एक नुस्खा लिख लीजिए, पेन है आपके पास तो। सौंफ, सौंफ जो हमारे किचन में होती है, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, ये 100-100 ग्राम लीजिए और इसमें 150 ग्राम गोंद मोरिंगा, गोंद मोरिंगा, इसे सहजन का गोंद भी कहते हैं, और सहजन को ड्रम स्टिक कहते हैं, जो एक बड़ी सी आपने देखा होगा लोग खाते हैं एक सब्जी जो लंबी सी भिंडी कहलाती है, सहजन उसे कहते हैं, मोरिंगा इंग्लिश में कहते हैं, मोरिंगा का गौन आता है गम, तो वो 150 ग्राम इसमें मिला दीजिए, पाउडर बनाइए और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम, यानी 3-4 ग्राम आपको खाना है। जिस दिन से शुरू करेंगे उस दिन से आपको फायदा शुरू होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है महेंद्र जी अलीगढ़ से हमारे साथ, स्वागत है आपका महेंद्र जी। हेलो, हाँ जी प्रश्न कीजिए। डॉक्टर नमस्कार जी। आदाब डॉक्टर साहब, मुझे जो है मेरी उम्र है 60 वर्ष जी, तो मुझे जो है मेरे बाएं पैर में हिप से लेकर के पिंडली तक दर्द है जनवरी से। ठीक है, और मेरे जो है मुझे शुगर की भी प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूं, मेरे हिप्स से लेकर के पिंडली तक दर्द है जनवरी से है। पहले ये बताइए आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट है जी? घर में वेस्टर्न टॉयलेट है ऐसा कुर्सी वाला? हाँ कुर्सी वाला है, लेकिन मुझे साधारण उसमें बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं आपकी बीमारी ऐसी है कि आपको वेस्टर्न टॉयलेट पर अपनी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। दरअसल जहाँ आपके दर्द है हिप में, ज़मीन के टॉयलेट में बैठने से वहाँ पर यानी जोर पड़ता है, हमें पता नहीं चलता, और आप जिस्म में हल्के होंगे इस वजह से आपको पता नहीं चलता। आप सबसे पहले तो ये ज़रूरी कि आपको उस पर जाना है फारिग होने के लिए। दूसरा एक इलाज मैं बताता हूँ, एक गोंद आता है, गोंद स्याह, स्याह काले को कहते हैं, काला गोंद भी कहते हैं और गोंद स्याह भी कहते हैं, एक रॉ मटेरियल है, अच्छा खासा महंगा भी आता है, नकली बहुत मिलता है, तो वो गोंद स्याह ले लीजिए, इसका पाउडर बनाएं, इसकी गोलियां बनाएं, चने की या मटर की बराबर, थोड़ी बड़ी या छोटी लेकिन इतनी रहनी चाहिए, चने या मटर की बराबर, सुबह नाश्ते के बाद बगैर चर्बी के दूध से खाइए और एक रात को खाने के बाद बगैर चर्बी के दूध से खाइए। ये 100 ग्राम गोंद ख़त्म होने से पहले आपका फ़ायदा होना मुमकिन है। बिल्कुल, जैसे कि आपने हकीम साहब यहाँ पे गौंसिया की बात करी है, आपने कहा है कि असली नकली भी होता है, तो इसकी पहचान कैसे होगी कि ये गौंसिया सही है? अच्छा देखिए, ये ज़रा बड़ा बड़ा होता है जी, और स्याह मतलब ये ब्राउन सा होता है, इसको इसको स्याह कहते हैं, लेकिन ब्राउन कलर का होता है, सियाई माइल ब्राउन सा, जायके में कड़वा बहुत होता है। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में इतनी कड़वी दवा नहीं देखी, लोग समझते हैं नीम कड़वा है जी, करेला कड़वा है और कितनी चीज़ें हैं ना कड़वी, लेकिन उसकी कड़वाहट तो इसके सामने कुछ भी नहीं। मैं तो नीम के पत्ते ऐसे ही खा जाता हूँ, कोई बात नहीं, करेला भी यूँ ही खा जाता हूँ, मैं अपने घर में सब्जी बनवाता हूँ कड़वी वाली बनाना, वो कुछ लोग उसको कड़वा कम कर देते हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं कड़वी वाली बनाओ। बिल्कुल, लेकिन इसकी कड़वाहट अगर आपने एक चुटकी जबान पे रख लो, थोड़ी देर रखने दो, तो बगैर कुछ मीठी चीज खाए वो कड़वाहट नहीं जा सकती, चाहे 2 दिन हो जाए, इतना कड़वा होता है जी। तो ये कड़वा होता है, अच्छा महंगा भी नहीं होता, महंगा इसे कहते हैं, लेकिन ये ऐसे 10-12 रुपए रोज की खुराक पड़ती है, मतलब 2 बार आप खुराक खाएंगे
तो 10 या 12 रुपए रोज का खर्चा है, तो 10-12 रुपए तो कोई भी डॉक्टर इससे ज़्यादा 50 रुपए तो फीस ले लेता है। तो ये 100 ग्राम ख़त्म होते होते बेशतर मरीज़ ठीक हो जाते, तो इसे इस्तेमाल करें और वज़न नहीं उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें। हमारे जिस्म को सप्लाई करता है उसे लीवर कहते हैं। लीवर एक बहुत कीमती शय है जिसका हम अक्सर ख्याल नहीं रखते, और जो आज के इस दौर में हम बहुत तेज़ एंटीबायोटिक दवाइयाँ, बहुत तेज़ किस्म के पेन किलर खाते हैं, तो उसका असर दो चीज़ों पर बेहद ज़्यादा होता है, किडनी और लीवर। लीवर हर उस बुखार के बाद जिसमें हमें ठंड लगती है, सर्दी लगती है, दांत बजने लगते हैं सर्दी से, जैसे मलेरिया, मलेरिया की दवा हम खाते हैं या किसी और तेज़ बुखार की, तो लीवर को बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है, क्योंकि ये एक ऐसी जहरीली दवा है जिसको उबालने और छानने में हमारा लीवर खुद मुतासिर हो जाता है, इम्प्रेस हो जाता है, ये जहर को आगे नहीं जाने देता चाहे ये खुद इम्प्रेस हो जाए। इसकी ये खूबी है कि आप और हम जो भी खाते हैं जहरीला, गंदा या गंदगी जैसे पेट में चली जाए, तो ये उसको उबाल छान कर आगे जाने देता है, जब तक वो उसे पाक नहीं कर देता जहर से, हमारी बॉडी को सप्लाई नहीं करता, वरना आदमी ज़िंदगी नहीं जी सकता। तो लीवर का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। अवनीश जी हैं उत्तराखंड से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, आदाब। हाँ जी मैम, मैं अवनीश सिंह बोल रहा हूँ। जी ये ना मेरे को जानना था ना वाइफ के बारे में, बताइए। उसका ना बॉडी वेट बहुत ज्यादा गेन होता जा रहा है, ठीक है, उम्र कितनी है? रिगार्डिंग मेरे को पूछना था। उनकी एज कितनी है आपकी पत्नी की? जी मैम नमस्कार। जी आदाब। मैम मैं अवनीश सिंह बोल रहा हूँ देहरादून से। ये ना मेरे को अपनी वाइफ के बारे में पूछना था, ठीक है। उनका ना बॉडी वेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, 2009 में उनका बॉडी वेट था 70 kg, ठीक है। एज बता दीजिए। एज अभी 30 years कंप्लीट नहीं हुआ है, 29 कंप्लीट हुआ है। अच्छा, देखिए बहुत कम उम्र है, और हमारे गांवों में मिसाल दी जाती है कि मोटापा और बुढ़ापा एक सी चीज़ है, ये बात उनको बताइए मेरी तरफ से। और उनके खाने में जो सब्जी सालन घर में जो भी आप खाते हैं, इतनी सारी अदरक रोज़ाना, इतना सारा लहसुन डाला करें। हम अक्सर कंजूसी में इतनी सी सर लहसुन, इतनी सी अदरक डालते हैं, ज़ीरा भी खूब डालें, और वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करें। एक दिन में 5 बार गर्म पानी पिएं, और इसके लिए दवाएं भी बहुत है, लेकिन 1 घंटा पैदल चलें तो दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और घरेलू नुस्खों में 1 चम्मच धनिया और 1/2 चम्मच ज़ीरा 1.5 गिलास पानी में उबालें, और इतना उबालें कि आधा रह जाए, ये एक बार रोज़ाना ज़रूर पिलाएं। और भी अगर इसको अच्छा करना है तो एक चुटकी खाने का सोडा इसमें मिला दें, ये आप उपचार करेंगे तो आपकी पत्नी को फ़ायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं सत्येंद्र जैन जी, दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी बताइए। हाँ मैं सत्येंद्र जी बोल रहा हूँ। जी मुँह के अंदर जो छाले हो गए, छाले वो ठीक हो जाते हैं लेकिन वो घाव से बन जाता है मुँह के अंदर, तो वो ठीक नहीं होता। एज कितनी है सत्येंद्र जी? 43 है जी। और कब से ये परेशानी है जी? ये परेशानी कब से है? 1 साल हो गई। ठीक है। अच्छा देखिए, ज़्यादातर लोगों को मल्टी विटामिन्स की कमी से पेट मुंह में छाले होते हैं, तो मल्टी विटामिन्स का कैप्सूल लेना शुरू करें, कोई भी पैथी का लें, अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, और 1 ग्राम रोज़ाना आपको लेना है
गोंद आता है मोरिंगा का, मोरिंगा का गोंद 1 ग्राम रोजाना पानी में मिलाकर पी लिया करें, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम गोंद मोरिंगा, तो आपको फायदा मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं हमारे साथ, राम अवतार जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी आदाब। आप पहले टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। जी जी, समय यहाँ पे कम होता है, बहुत सारे कॉलर्स होते हैं लाइन में, तो टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिए। जल्दी से बताइए क्या जानना चाहते हैं। मेरे मैडम भूख नहीं लगती है, 3-4 साल से बड़ी परेशानी है, बिल्कुल दोनों टाइम भूख नहीं लगती है मेरे को। एज बताइए। मेरी एज है 56-55 लगा लो साहब। ठीक है, देखिए मैं एक ऐसा नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ जो आज से या कल शुरू करेंगे तो आप आज से नहीं तो कल से फ़ायदा शुरू होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो लिख लीजिए, आप कलम हो आपके पास, पेन हो तो लिख लीजिए, कभी याद नहीं रहे। देखिए सौंठ लीजिए 100 ग्राम, सौंठ अदरक के पाउडर को सौंठ कहते हैं, सौंठ 100 ग्राम, जीरा 100 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम और 100 ग्राम गोंद आता है मोरिंगा का, मोरिंगा का गोंद, इसे सहजन का गोंद भी कहते हैं, मुश्किल से मिलता है और नकली भी मिल जाता है तो असली लेना। इन सबको पाउडर बना लीजिए घर में, कोई भी चीज़ पिसी भी मत लाना, सब रॉ मटेरियल लेना, गोंद मोरिंगा भी और धनिया वनिया सब रॉ मटेरियल लेके पाउडर बना लीजिए, और 1 चम्मच 3-4 ग्राम सुबह, 1 चम्मच 3-4 ग्राम रात को सोते हुए, सुबह निहार भू लें तो बहुत अच्छा है, गर्म पानी से लें। जिस दिन से आप शुरू करेंगे उसी दिन से फ़ायदा शुरू हो जाएगा फौरन। ये नुस्खा मजबूर कर देता है लीवर को कि भूख लगा और लीवर का चाल को जो सुस्त पड़ जाती है उसको तेज़ कर देता है, हजम को तेज़ कर देता है, एसिडिटी को ख़त्म कर देता है, कब्ज को तोड़ देता है और आपको फौरन फ़ायदा शुरू हो जाता है। आप ये लेकर देखें, मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। तो चलिए देखिए, इतने कीमती आप लोगों को उपचार यहाँ पे दर्शकों को बताए जाते हैं जो आप बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन कॉपी और पेपर लेके ज़रूर बैठिए क्योंकि एक एक बात आप लोगों को यहाँ पे अगर हकीम साहब जी बता रहे हैं तो आपको वो वैसे ही फॉलो करनी है, कितने ग्राम आपको क्या कुछ लेना है, कैसे आप लोगों को पानी का सेवन करना है, कैसे आप लोगों को गर्म पानी पीना है, या जितनी भी बातें आप लोगों को यहाँ पे बताई जा रही हैं एक एक बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तो आप वीडियो क्लिप बना के भी एक बार दोबारा से सुन सकते हैं कि क्या कुछ उपचार आप लोगों को हकीम साहब यहां पे बता रहे हैं। और करके देखिए दर्शकों, आप लोग फिर दवाइयों को छोड़ देंगे, सिर्फ आप लोग अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे और सिर्फ आप लोग यूनानी पद्धति से जुड़ेंगे, आयुर्वेद से जुड़ेंगे और देसी उपचार अपनाएंगे। और इसी के साथ दर्शकों, फिर से आप लोगों को यहां पे बताना चाहूंगी, जब बात आती है अतिया हर्ब्स की तो आप सभी जानते हैं ये एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी देश भर में है। फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी स्वरूप जी। हाँ जी मैडम, गुड इवनिंग। जी जी, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। तो क्या है, छोटा बच्चा है 10-1 साल का, आंखों में एलर्जी है। ठीक है, 10 साल का है ना? हाँ जी, 10 साल का है, उनके आंखों में एलर्जी है, तो मैंने उनको दिखा दिया हॉस्पिटल में। तो डॉक्टरों ने बोला कि ये 12 साल का होगा, तब तक ऐसे ही रहेगा, उसके बाद में रेडी हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक नुस्खा मैं बताता हूँ आपको, बड़ा कीमती है और ये सब के लिए, उस बच्चे के लिए भी है और उन सब के लिए है जिनको भी वबाई मर्ज हो जाते हैं, जैसे एलर्जी, आँख से पानी आना, आँखों का बुखार होना, ये मौसम बदल रहा है, बरसात और बरसात के बाद के मामलात, आँखों की बीमारी, आई फ्लू हो जाता है, ऐसे लोगों के लिए।
देखिए एक जड़ी बूटी है जिसको कहते हैं मुंडी बूटी। मुंडी बूटी बहुत सस्ती आती है, मेरे ख्याल से 5-10 रुपए की इतनी सारी आ जाएगी कि आपका पूरे मोहल्ले के लिए काफ़ी। तो मुंडी बूटी आप लीजिए और 2 पीस रात को पानी में डाल के, जो होता है ना सकोरा, कच्ची मिट्टी का जो होता है उसमें डाल के रख दीजिए और सुबह को इसको उबालिए पानी को, 1 गिलास पानी को, और इतना उबालिए कि आधा रह जाए पानी। रोज़ाना ये पानी आधा गिलास इस बच्चे को पिलाइए, बहुत जल्द इस बच्चे का ठीक होना मुमकिन है। तो बहुत जल्दी आपका बेटा ठीक हो जाएगा। तो दर्शकों देखिए, ना सिर्फ आपका बेटा, आपका पूरा परिवार तंदुरुस्त हो सकता है, एक निरोगी काया पा सकता है। देखिए दर्शकों, पहला सुख तो निरोगी काया है और दुनिया का सबसे बड़ा दुख है वो व्यक्ति जो कि अपनी परेशानियों से ही निकल नहीं पाता है, जो इतने सारे रोग लेकर बैठ जाता है कि अब तो इसका दूर जाना ही मुश्किल है, यानी कि कोई इलाज नहीं है क्योंकि पहले से ही हम इतने सारे ट्रीटमेंट ले चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जुड़िए दर्शकों, देसी नुस्खों से जुड़िए, फिर देखिएगा एक चमत्कार ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन संयम रखना होगा, थोड़ा सा इंतजार आप लोगों को जरूर करना होगा। फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आप लोगों के सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं।